तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के दिल्ली दौरे से जुड़ी अहम जानकारी है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करी है सीएम मनोहर लाल ने, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। वित्त मंत्री से बजट को लेकर अहम चर्चा करी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा, दिल्ली दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा की ओर से अपनी कुछ बातें रखी हैं, विशेष तौर पर चार विभागों के लिए विशेष अनुदान हमें दिया जाए, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की हमने मांग की है। उसमें मुख्य तौर पर जो विभाग जिसकी अपेक्षा में है, तो कोविड का जो खर्च हुआ है, एक अनपेक्षित खर्चा हुआ है, लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च उसमें वो हमने अपेक्षा की है कि केंद्र से हमको मिले। इसी प्रकार से किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स, ये हम बढ़ाना चाह रहे हैं। हर खेत को पानी की योजना हमने बनाई है, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए की अपेक्षा हमें उसमें भी है। और ऐसे ही शहरी विकास और ग्रामीण विकास, शहरी विकास में जो NCR एरिया है, NCR एरिया में बहुत विकास की आवश्यकताएं हैं। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर जो हम पौंड अथॉरिटी का हमने निर्माण किया है, पौंड रिजोनोवेशन के लिए पानी की उसमें भी उपलब्धता बढ़ती है। तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स को मिलाकर और कुछ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये की हमारी अपेक्षा है कि हमको केंद्र सरकार की ओर से मिले, ऐसा हमने विषय रखा। सर, आपकी सरकार को गिराने की कोशिश की गुरनाम सिंह चौधरी ने 10 करोड़ रुपये लेकर, और साथ ही साथ कांग्रेस के टिकट की एवज में, ऐसी खबरें हैं। देखिए, अब ये जो काली करतूतें हैं, ये जो लोग करने में लगे हैं, कुल मिलाकर के उनको किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूँ। हमारी सरकार पूरी 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी, और ये जो ओछेत खंडे, ये अंदर अंदर पहले भी कुछ ना कुछ करते रहे हैं, लेकिन कभी आज तक कामयाब ना हुए हैं ना आगे होंगे। करनाल में किसानों को भी भड़काया सर, हिंसा के लिए उनको भड़काया। मैंने बताया कि ये जिस प्रकार की हरकतें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसी हरकतें इनकी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपना बहुत धैर्य से, बहुत संयम रख करके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते हुए हम हर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, और हम किसी भी कदम के ऊपर ऐसा नहीं कि अपना कोई हम लूज करेंगे अपना टेंपर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी है, सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर, इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करी है। इस पर शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, बड़ी और अहम जानकारी के लिए। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? स्पर्श, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि स्पर्श से हमारी बातचीत हो पाए, लेकिन इस वक्त ही बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा के सीएम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते नजर आए हैं, दिल्ली दौरा है आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान भी आपने सुना, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक मसलों को लेकर के निर्मला सीतारमण से बातचीत करने आए थे। आपको बता दें हाल ही में बजट रिलीज होने वाला है, ऐसे में वित्त मंत्री से 5,000 करोड़ की मांग की है मुख्यमंत्री ने। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, 5,000 करोड़ की मांग की है सीएम मनोहर लाल ने। बैठक के बाद सीएम का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ कहा सुनिए। कुछ बातें रखी हैं, विशेष तौर पर चार विभागों के लिए विशेष अनुदान हमें दिया जाए, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की हमने मांग की है। उसमें मुख्य तौर पर जो विभाग जिसकी अपेक्षा में है, तो कोविड का जो खर्च हुआ है, एक अनपेक्षित खर्चा हुआ है, लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च उसमें वो हमने अपेक्षा की है कि केंद्र से हमको मिले। इसी प्रकार से किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स, ये हम बढ़ाना चाह रहे हैं। हर खेत को पानी की योजना हमने बनाई है, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए की अपेक्षा
हमें उसमें भी है। और ऐसे ही शहरी विकास और ग्रामीण विकास, शहरी विकास में जो NCR एरिया है, NCR एरिया में बहुत विकास की आवश्यकताएं हैं, और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर जो हम पौंड अथॉरिटी का हमने निर्माण किया है पौंड रिजोनोवेशन के लिए, पानी की उसमें भी उपलब्धता बढ़ती है। तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स को मिलाकर और कुछ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये की हमारी अपेक्षा है कि हमको केंद्र सरकार की ओर से मिले, ऐसा हमने विषय रखा। सर, आपकी सरकार को गिराने की कोशिश की गुरनाम सिंह चौधरी ने 10 करोड़ रुपये लेकर और साथ ही साथ कांग्रेस के टिकट की एवज में, ऐसी खबरें हैं। देखिए, अब ये जो काली करतूतें हैं, ये जो लोग करने में लगे हैं, कुल मिलाकर के उनको किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूँ। हमारी सरकार पूरी 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी, और ये जो ओछेत खंडे, ये अंदर अंदर पहले भी कुछ ना कुछ करते रहे हैं, लेकिन कभी आज तक कामयाब ना हुए हैं ना आगे होंगे। करनाल में किसानों को भी भड़काया सर, हिंसा के लिए उनको भड़काया। मैंने बताया कि ये जिस प्रकार की हरकतें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसी हरकतें इनकी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपना बहुत धैर्य से, बहुत संयम रख करके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते हुए हम हर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, और हम किसी भी कदम के ऊपर ऐसा नहीं कि अपना कोई हम लूज करेंगे अपना टेंपर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर, बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा किसान आंदोलन को लेकर के कि कभी भी जो मनसा मुनासिब नहीं होगी राज्य के लिहाज से, उसको लागू नहीं होने देंगे, उसको सफल नहीं होने देंगे। यहां पर जिक्र गुरनाम सिंह चढ़ूनी का था। उन्होंने कहा कि विपक्षियों की कोई मंशा कभी सफल नहीं होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया, 5,000 करोड़ का उन्होंने जिक्र किया है। वित्त मंत्री से डिमांड करी है उन्होंने 5,000 करोड़ की कोरोना में मुख्य 4 विभागों के लिए, वित्त मंत्री से मांग की है उन्होंने। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वित्त मंत्री से 5,000 करोड़ रुपए की मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर, और इस दौरान जब कि बजट सामने आने वाला है, इस बीच निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल साफ तौर पर उनसे 5,000 करोड़ की मांग करते नजर आए, और अलग अलग 4 विभागों के लिए, विशेष विभागों के लिए ये डिमांड उन्होंने की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हैं।